आज देख सकते हो हमारे पास है एक डियो और आज इससे हम एक्सपेरिमेंट करने वाले और क्या एक्सपेरिमेंट होने वाला है यहाँ पे देख सकते हो भाई कंपनी ने लिखा यहाँ पे 165 ml और यहाँ पे देखते हो 108 ग्राम यानी 165 ml है और अगर ग्राम में देखोगे तो 108 ग्राम है। तो आज पहले तो इसको हम यहाँ पे वेट करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो सिंपली यहाँ पे वेट करते हैं भाई कितना है यहाँ पे देख सकते हो पहले भाई 160 यहाँ पे ग्राम होता है। उसके बाद क्या करना है भाई इसको पूरा हम निकालेंगे इसके अंदर और देखेंगे भाई इसका पूरा निकालने के बाद ये कितने ग्राम निकलता है सच में। तो हम इसको यहाँ पे देखते हो ये पूरा सील पैक था, अभी हम इसको खोल रहे हैं और क्या करते हैं सिंपली हम भाई इसे पूरा निकालते हैं इसके अंदर और इसके अंदर निकालते हैं फिर यहाँ पे ml में नापेंगे पहले कितना है उसके बाद फिर इसके अंदर वेट करेंगे इसको। तो क्या करते हैं सिंपली इसको निकाल लेते हैं पूरा, तो निकालने स्टार्ट करते हैं यहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ पे देखते हो काफी निकल रहा है और मेरा हाथ इस समय ठंडा हो चुका है एकदम। एकदम माइनस डिग्री में जा रहा है और यहाँ पे देख सकते हो गैस देख लो गाइस जो गैस होती है गाइस इसको क्या करते हैं इसको किनारे रखते हैं एक बार गाइस इसको हम एक बार पैक करते हैं क्योंकि उसके अंदर अभी काफी सारा है तो दूसरा एक और निकालते हैं और देखते हैं हमारा ये पहला हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे देख तो ये पहला हो चुका है हमारा और अब दूसरे में हम निकालते हैं इसको और काफी है ये भी भर जाएगा मेरे को लग रहा है। गैस की मात्रा ज्यादा लग रही है गाइस यहाँ पे देख सो दूसरा भी यहाँ पे भर चुका है इसको भी बंद करते हैं क्योंकि अभी इसके अंदर और भी है इसको निकालते हैं चीज यहाँ पे देख सकते हो गाइस और तो उससे गैस निकल गई है ओ भाई यहाँ पे देख सकते हो गाइस कितनी ज़्यादा गैस क्या करते हैं इसको निकालते हैं पूरा। अब इसके अंदर जो बचा है भाई यहाँ पे देख सकते हो ये हो चुका है एकदम खाली। अब क्या करते हैं भाई इसको वेट करते हैं। सबसे पहले गाइस यहाँ पे देखो पहले यहाँ पे देखो पहले बहुत ज्यादा ये ठंडा है उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे वेट करके दिखाता हूँ। पहले तो मैं सबसे पहले इसका वेट करके दिखाता हूँ यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कितना होता है यहाँ पे देख सकते हो 30 ग्राम। अभी इसके ऊपर हम ये दोनों को रखते हैं इसको दोनों को रखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस 135 ग्राम यानी 135 ग्राम वेट है। अगर हम इसको हटाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 130 ग्राम हो जाता है इसके अंदर थोड़ी सी है तो इसको हम यहाँ पे इसके अंदर ही डाल देते हैं और यहाँ पे देख सकते हो रिएक्शन देख सकते हो गाइस और गाइस तगड़ा रिएक्शन भी यहाँ पे होता हुआ
और ये हम करना नहीं चाह रहे थे, अपने आप ही हो गया है। यहाँ पे देख सकते हो, हमने यहाँ पे ये ढक्कन हटाया, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 125 ग्राम का ये टोटल होता है। उसके बाद अगर हम इसको भी हटाते हैं, यहाँ पे देख सकते हो इसको हटाते हैं अगर, तो ये कितना वेट है यहाँ पे देख सकते हो, इसका कोई वेट नहीं बता रहा, लेकिन 5-7 ग्राम का जरूर होगा। एक डीओ के अंदर यहाँ पे 135 ग्राम ये होता है, उसके साथ साथ 125 ग्राम मान सकते हो कि 125 ग्राम यहाँ पे ये डीओ होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमने किया तो भाई 125 ग्राम काफी ज्यादा होता है। तो गाइस गाइस अब हम ML के अंदर इसको यहाँ पे वेट करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो ML के अंदर आते हैं, यहाँ पे गाइस देख सकते हो 25 ml इसके अंदर आया, यहाँ पे देख सकते हो, और ये 25 ml हो चुका है। इसको यहाँ पे डाल देते हैं, इसके साथ साथ अब इसका भी वेट करते हैं, वेट करते हैं कितना है, और ये गाइस देख सकते हो 25 ml से ज़्यादा होने वाला है, यहाँ पे देख सकते हो। तो ये टोटल होता है, इसके अंदर डाल के देखते हैं कितना होता है। और टोटल गाइस यहाँ पे देख सकते हो, सर बिना गैस के हम देखेंगे तो खाली इतना स्प्रे होता है, उसके साथ साथ काफ़ी सारी इसमें गैस निकली, अभी देख सकते हो काफ़ी सारी गैस निकल रही थी। तो बस गाइस यही था आज का एक्सपेरिमेंट। अगर वीडियो का आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर देना, देन चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि क्रेज स्क्वाड ऐसे वीडियोस लेकर के आता रहता है।